वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं लेके आई हूँ एक नई रेसिपी। ये स्वीट डिश की रेसिपी है। इसको अगर आप बनाएंगे तो घर में तारीफें ही मिलेंगी। ये देखने में जितना ही यम्मी है, टेस्ट में भी उतना ही यम्मी है। प्लीज़ आप इसे ट्राई करिए और ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट में जरूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले हमें ले लिया है एक कप मिल्क का, या नॉर्मल टेम्परेचर का मिल्क है। यहाँ पर हमने ले लिया है एक कप। 2 कप हमने लिया है मैदे का। 1 बड़ा लार्ज एग हमने लिया है। यहाँ पे 1/2 कप हमने कुकिंग ऑयल लिया। आप चाहे तो बटर भी यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में 2 कप मैदा ऐड कर लेंगे। इसमें ऐड करेंगे जो एग हमने लिया है, यहाँ पे हमने एक को ऐड कर लिया। साथ ही साथ हमें जरूरत पड़ेगी पिंच ऑफ सॉल्ट एंड पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर का, क्योंकि सबसे पहले हमें बनाना है बकलावा की सीड्स। तो बकलावा की सीड्स बनाने के लिए हमें यहाँ पे बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा सॉल्ट हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। इसके साथ ही हमने जो 1/2 कप ऑयल का लिया था कुकिंग ऑयल, वहाँ पे हमने ऐड कर दिया। इसके बाद इन सब चीज़ों को हमें अच्छे से मिक्स करना है मैदे में। तो हम यहाँ पे हाथों का हेल्प करके सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। जो यहाँ पे हमने 1 कप मिल्क लिया है, इसको धीरे धीरे हम ऐड करेंगे और एक अच्छा सा सॉफ्ट डो रेडी करेंगे। अगर आप यहाँ पे एक स्किप करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप विनेगर यूज कर सकते हैं अगर आप एग नहीं यूज कर रहे हैं। तो बकलावा की सीड बनाने के लिए ये डो हमने रेडी कर लिया है। आप देख सकते हैं सॉफ्ट सा डो बन करके हमारा रेडी है। इसे 1 आवर्स के लिए रेस्ट करने के लिए रखेंगे। इसके साथ हमने ले लिया है 1 कप पिस्ता का और इसे हमें एक मिक्सिंग बाउल में इसे हमें ग्राइंड करना है। यहाँ पे हमने ले लिया है मिक्सिंग बाउल का और हम इसमें इसे ग्राइंड करेंगे फाइन। इस तरह से हमारा पिस्ता का जो पाउडर है बन करके रेडी है। आप चाहे तो कोई और भी ड्राई फ्रूट्स अपने पसंद का यूज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे बेसिकली पिस्ता से ही बनता है, तो हमने यहाँ पे पिस्ता का ही यूज किया है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से आप चाहे तो और भी ड्राई फ्रूट्स आप ऐड कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इसके ये कि किस तरह से पाउडर हमारा रेडी हो चुका है। लिया है तो मेल बटर को मेल करके हमने यहाँ पे एक बाउल में 1 बड़ा कप ले लिया है। 1 घंटे रेस्ट के बाद ये डो देखेंगे कि अब कितना सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे बकलावा सीट रेडी करेंगे। तो सीट को रेडी करने के लिए हमने लिया 1/2 कप कॉर्नफ्लोर का और 1/2 कप मैदे का। इन दोनों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। जो डो रेडी किया था इसे हम हाथों की हेल्प से दोबारा से हम इसे सॉफ्ट करेंगे अच्छे से मसल के। इसके बाद हम इसे सेम पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस तरह से हमने कट करके रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले हम लेंगे एक पार्ट और इसमें इसका हम रोल तैयार करेंगे। सबसे पहले हमें मैदे को डस्ट करना है, इसके बाद इसे रोल करना है। आपको रोल कितना बड़ा आपको शेप चाहिए, आपके पास ट्रे है तो आपको अपने ट्रे के हिसाब से आपको इसका जो सेट से वो रेडी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ छोटा सा एक बेक करने के लिए टिफिन बॉक्स। तो मैं उसके हिसाब से मैं यहाँ पे बेकिंग सीट रेडी करूंगी।
बकलावा की जो सीड्स हैं वो मार्केट्स में भी बड़े आराम से मिल जाती हैं, आप किसी भी शॉप से ले सकते हैं उसको। अगर आप बहुत ही जल्दी बनाना चाहते हैं तो ये सीड्स मार्केट्स में अवेलेबल है, तो आपको बस वहाँ से ले लेना है और बहुत ही ईजी, बहुत ही कम टाइम में बन करके रेडी हो जाएगा। कुछ इस तरह से सीड्स को हमें बना करके रेडी करना है। हमें इसके हिसाब से चाहिए तो हम जो बाकी का जो एक्स्ट्रा सीड्स का पार्ट है उसको हम कट करके निकाल देंगे। जो हमने सीड्स को जो दो दिन लगा के ऐसे में किया था, तो आप देख सकते हैं पतली से सीड्स बन करके रेडी है। तो सीड्स को भी हमें डायरेक्ट नहीं रखना है, सबसे पहले हमें मैदे को डस्ट करना है, इसके बाद फिर से वापस से एक सीड्स रखनी है, मैदे को डस्ट करना है एंड फिर से सेकेंड सीड्स रखनी है। इस तरह से हमें सारे सीड्स यहाँ पर रेडी कर लिया। इसके बाद हमें ले लिया है बेकिंग सीट, हमने उसे ट्रे में लगा लिया है। इसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा इसे बटर से अप्लाई करेंगे इसके सीड्स के ऊपर। इसके बाद हम अपने सीड्स को अरेंज करेंगे, तो इस तरह से सीड को अपने सेट करना है। इसके बाद ऊपर अप्लाई करना है बटर का। इसके बाद हमें वापस से फिर से सीड्स को रखना है, वापस से फिर से वही सेम प्रोसेस करना है। आपको जितनी भी मोटी लेयर चाहिए आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, तो आपको जितनी भी चाहिए, जैसे चार पांच लेयर आपको चाहिए तो आपको पांच सीड रखनी है ऐसे करके, और सेम उसके ऊपर ऐसे बटर अप्लाई करने हैं। इस तरह से कर करके हमें रेडी करना है। इसके अपने जो पिस्ता ग्राइंड किया था हमने, इसके ऊपर हम अपना जो पिस्ते का पाउडर है इसके ऊपर अच्छे से हम अरेंज करेंगे। इसे स्पून की हेल्प से हल्का सा प्रेस कर देंगे ताकि ये अच्छे से एडजस्ट हो जाए। इस तरह से ये बहुत ही आराम से एडजस्ट हो जाता है, आप देख सकते हैं कि अच्छे से ये सेट हो चुका। वापस से हमने दूसरी लेयर कर दी इसके ऊपर, तो हमने फिर से सेट्स को रखा और इसके ऊपर हमने बटर को अप्लाई किया जैसे हमने पहले किया था, सेम प्रोसेस हमें फिर से करनी है। तो हमें इस तरह से कर करके रेडी करना है। मैं वापस से फिर से पिस्ता का लेयर कर रही हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मैं सेकंड टाइम इसे सेट कर रही हूँ। कुछ इस तरह से हमने रेडी कर लिया। फिर वापस से हमने जो सीट्स रेडी की थी हमें फिर से इसे एडजस्ट करना है सीट को बटर अप्लाई करके, कुछ इस तरह से हमें कर करके रेडी करना है। अगर आपको सेकंड टाइम नहीं लेयर करना है पिस्ता का तो आप एक लेयर ही कर सकते हैं।
वापस से हमें जो थोड़ा सा बटर को साइड से हमें लगा देना है ताकि ये अच्छे से बेक होने में बहुत ही आराम से हो जाए बेक बटर की हेल्प से। अब हम इसे हमने बंद कर दिया है, बंद करके हम इसे एक घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। फ्रिज में एक घंटे होने के बाद हम इसे बाहर निकालेंगे और ओवन को 350 पे हम इसे प्री हीट होने के लिए रखेंगे। जब तक ओवन हमारा प्री हीट हो रहा है, हमने इसे फ्रिज से बाहर निकाल लिया। आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट सेट हो चुका है जैसा हमें चाहिए। अब हमें इसे हमें जैसा भी शेप चाहिए, डायमंड चाहिए, जैसा भी हमें चाहिए, हमें इसे कट करना है। इसे स्टेज पर हमें कट करना है क्योंकि ये बाद में कट नहीं होगा, तो हमें सब इसे कट करके ही हमें बेक करना है। अभी बहुत ही आराम से ये कट हो जाएगा जैसा हमें चाहिए, ये उससे भी बहुत ही आराम से कट हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये कितना परफेक्ट कट करके रेडी हो चुका। ये अब ये बिल्कुल बेक होने के लिए रेडी है। अब हम इसे डालेंगे ओवन में 340 मिनट्स के लिए 350 पे। इसके बाद हमें रेडी करना है बकलावा के लिए शुगर सिरप। शुगर सिरप बनाने के लिए हमें ले लिया है 2 कप वाटर का। इसे हमें हीट होने के लिए रख दिया है। ले लिया हमने यहाँ पे 2 कप शुगर का। आप अपने एक आदमी शुगर को ऐड कर सकते हैं, आप चाहे तो थोड़ा कम भी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिया 1/2 कप हनी का। आप हनी से जो शुगर सिरप बना रहे हैं उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और बकलावा में तो खास करके ये हनी का शुगर सिरप ही यूज होता है। तो आप चाहे तो वही शुगर का भी बना सकते हैं। यह मैं यूज कर रही हूँ 1 बड़ा कप 1 बड़ा स्पून वनीला एसेंस का। साथ ही साथ हम ऐड कर देंगे 1/2 लाइम जूस का। इन सब चीजों को डालने के बाद हमें अच्छे से शुगर सिरप को बॉयल करना है। शुगर सिरप से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। जैसे ही बॉयल हो रहा है बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है शुगर सिरप की। तो आप देख सकते हैं कि ये शुगर सिरप हमारा बन करके रेडी है। थोड़ा इसे हमें ठंडा करना है। अब हम चेक करेंगे बकलावा। आफ्टर 40 मिनट्स के बाद बकलावा हमारा पेक होकर के रेडी है। आप देख सकते हैं कि इसका लुक्स एकदम परफेक्ट है। ये बहुत ही क्रंची है इस टाइम पे। तो हमने जो शुगर सिरप रेडी किया था, इसी गरम गरम बकलावे पे हमें शुगर सिरप को डालना है। आप देख सकते हैं कि बकलावा हमारे कैसे शुगर सिरप को सोक कराई। ये बिल्कुल परफेक्ट स्टेज है। ये बिल्कुल परफेक्ट है कि बकलावा अच्छे से शुगर सिरप को सोक कर रहा है। तो धीरे धीरे करके कि आप देख सकते हैं साइड से बबल्स आ रहे हैं। तो बिल्कुल गर्म गर्म ही बकलावे पे हमें शुगर सिरप को, हल्का सा गर्म शुगर सिरप को हमें डालना है अच्छे से। कुछ इस तरह से कर करके हमें रेडी करना है। इसको रेडी डालने के बाद हम इसे रख देंगे 6 घंटे के लिए रखेंगे फ्रिज में। 6 घंटे के बाद आप देख सकते हैं कि बकलावा हमारा शुगर सिरप सोक करके रेडी है। आप इस डिश को किसी भी पार्टी पे बना सकते हैं, आप पर डे बना के खा सकते हैं। बहुत ही आसान है। जब भी कुछ पिठा खाने का मन हो तो बनाइए और इंजॉय करिए।